डियर स्पेरेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर में। यहाँ पे हम फोर्थ वीक ऑफ अगस्त 2021 का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। अगर मोहल्ला अफेयर को छोड़ दें तो बाकी इंटरनल, एक्सटर्नल, नेशनल, इंटरनेशनल सारे करंट अफेयर की खबरें यहाँ पे आपको मिलेंगी। इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। PDF के लिए ये टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हो फॉर योर डिस्कशन और डाउट डिस्कशन। बाकी ये सारे प्लेटफॉर्म हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन सारे प्लेटफॉर्म पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एजुकेटिंग टुडे फॉर बेटर टुमारो, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू उभरते सितारे फंड। अब ये वो चार सितारे नहीं है आपके नाचने गाने वाले, बॉलीवुड की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे बिजनेस की बात कर रहे हैं, स्टार्टअप की। बेसिकली ऐसे स्टार्टअप जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उनको लगता है कि उनके पास फंड की कमी है, अभी छोटे स्केल के हैं या उनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो नहीं है, उनके पास एडवाइजरी नहीं है, तो उस टाइप का सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। पूछा गया है आपसे कि इस स्कीम को स्पॉन्सर्ड कौन कर रहा है, तो इसको स्पॉन्सर्ड कर रहा है एक्सिम बैंक एंड SIDBI बैंक। ये बैंक है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और एक्सिम बैंक जो है इसका नाम भी शायद आप लोगों में से कमी लोगों ने सुना होगा। इसको ये बेसिकली बनाया गया था हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981 के हिसाब से, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए। ये जो फंड है बेसिकली 250 करोड़ का है, तो आप देख रहे हो बहुत बड़ा फंड नहीं है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हजारों करोड़ रुपया है जिसमें आपको हेल्प मिलेगी फाइनेंशियली, एक छोटा सा फंड है और उनको सपोर्ट करने के लिए है जो स्मॉल स्केल की इंडस्ट्री हैं या स्टार्टअप हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दैट इज रिलेटेड टू द स्मोक टावर। इंडिया का फर्स्ट स्मोक टावर इंस्टॉल कर दिया गया है, कहाँ पे किया गया है, दिल्ली में किया गया है। स्मोक टावर का पर्पज क्या होता है, बेसिकली ये एयर को प्यूरिफाई करता है, और यहाँ पे दिल्ली में जो स्मोक टावर इंस्टॉल किया गया है उसकी प्योरिफिकेशन कैपेसिटी 1 किलोमीटर के रेडियस में है, और ये इंस्टॉल करवाया है दिल्ली सरकार ने। इससे पहले हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था भारत सरकार और दिल्ली गवर्नमेंट से कि इतना पोल्यूशन है भाई, तो आप लोग कुछ करते क्यों नहीं है। तो बेसिकली एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह इसको स्टार्ट किया गया है, अगर एक सक्सेसफुल रहता है तो और भी टावर्स लगाए जाएंगे। अब कुछ इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि 1 किलोमीटर की रेडियस में ये ऑपरेट करता है, एयर को लेता है ये, फिर उसको प्यूरिफाई करता है, बहुत सारे प्यूरिफायर वहाँ पे लगे होते हैं, उसको प्यूरिफाई करता है, फिर एटमॉस्फेयर में छोड़ता है ताकि आप एक अच्छी ऑक्सीजन आपको मिल पाए, एक अच्छी हवा मिल पाए जिसमें आप सांस ले पाओ। इस पर्टिकुलर टावर की बात करें तो ये है 24 मीटर लॉन्ग, और इसकी लागत की बात करें कि इतना कैपिटल इसमें इन्वेस्ट हुआ है तो वो हुआ है 20 करोड़ रुपीज़। जैसा कि मैंने आपको कहा दिल्ली गवर्नमेंट ने इसको लगाया है, टाटा कंसल्टेंसी के हेल्प से इसको बनाया गया है, और यहाँ पे कुछ लोग और इन्वॉल्व हैं जैसे IIT बॉम्बे इन्वॉल्व है, IIT दिल्ली इन्वॉल्व है। बेसिकली इनका काम ये है कि यहाँ से जो डाटा आएगा उसको ये एनालाइज करेंगे कि हाँ जो प्योरिफिकेशन प्रोसेस है वो प्रॉपर चल रहा है, नहीं चल रहा है, कितना प्योरिफिकेशन हो पा रहा है, प्रोजेक्ट सक्सेस है कि नहीं है, फिर उसके बेसिस पे आगे और प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑपरेशन देवी शक्ति रिलेटेड टू द विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये रिलेटेड है अफगानिस्तान में इवैक्यूएशन मिशन से। आपको पता है कि वहाँ पे तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है, अब बहुत सारे इंडियंस लोग भी वहाँ पे हैं, मतलब जो इंडियन एम्बेसी में काम करते हैं, बहुत सारे अफगानीज भी हैं जो इंडिया के लिए काम करते थे, उनको जान को खतरा होती है। अब गवर्नमेंट इस चीज़ को डिक्लेयर करे ना करे, बट आपको पता ही होगा कि हर देश में स्पाई होते हैं, तो एक तरह से उनको सेफ्टी, उनको वहाँ से वो इवैक्यूएट करना और भारत लाना या फिर जहाँ वो जाना चाहते हैं वहाँ उनको भेजना, तो इंडिया ने ये मिशन लॉन्च किया दैट इज मिशन देवी शक्ति। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विच कंपनी हैज लॉन्च द स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव इन द इंडिया पार्टनरशिप विद द ऑनलाइन लेंडिंग प्लेटफॉर्म इंडिफी, तो वो है कंपनी फेसबुक। फेसबुक ने इंडिफी के साथ मिलके एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसमें स्मॉल बिजनेसेस को ये क्या देंगे, लोन देंगे। अब देख लेते हैं किस टाइप का लोन देंगे। अब ये पूरी इंडिया में आपको नहीं मिलेगा, कुछ 200 सिटी में इसको लॉन्च किया गया है, तो अगर आप उस सिटीज में रहते हो तो लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको लोन दिया जाएगा 5 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक। अच्छी बात इसका ये है कि यहाँ पे आपको कोई कोलेटरल नहीं देना पड़ेगा। कोलेटरल का मतलब ये होता है कि जब आप बैंक से लोन लेते हो तो आपको कुछ गारंटी के तौर पे देना पड़ता है, जैसे आप अपने घर का पेपर दे दो, अपने खेत का पेपर दे दो, दूसरे जमीन का पेपर दे दो, ताकि अगर आप पैसा नहीं भर पाते हो तो बैंक क्या करेगा, उसको बेच के पैसा वसूल करेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब ये कह सकते हैं ये इसकी डिमेरिट्स है, जो पर्सनल लोन होता है उससे भी ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट रेट रखा गया है, और ये प्रीफिक्स है 17% to 20% per annum।
और यहाँ पे वुमन एम्पावरमेंट के नाम पे 0.2% का आपको रिडक्शन दिया जाएगा आपके लोन इंटरेस्ट पे। मतलब भैया हद कर दिया इन्होंने, वुमन एम्पावरमेंट के नाम पे 0.2%। मतलब अगर आप मैक्सिमम लोन ले लो 50 लाख रुपए, तो आई थिंक सो कितना आएगा 50 लाख, अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालें तो 10,000 के आसपास। मतलब जो 50 लाख का लोन लेगा वो इतना नहीं भर पाएगा, मतलब हद ही करते हो भैया, मजाक करना था तो नहीं देते। और यहाँ पे आपका थोड़ा सा सिंप्लीफाई है कि जिस दिन आप अप्लाई करोगे बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाएगा, फटाफट आपको लोन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन न्यू ड्रोन रूल 2021 ड्रोन कैन ऑपरेट विदाउट परमिशन इन पेरीमीटर ऑफ एयरपोर्ट। तो ये है 12 किलोमीटर, इससे पहले था 45। जब ये रूल नहीं आया था तो अगर आप 45 किलोमीटर के पेरीमीटर में अपने ड्रोन को उड़ा रहे हो तो आपको परमिशन लेना पड़ता था। अब उसको घटा के कर दिया गया है 12 किलोमीटर, मतलब एयरपोर्ट के 12 किलोमीटर के बाहर आप बिना परमिशन के अपने ड्रोन को फ्लाई कर सकते हो। बट वहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी कंडीशन है, बट ड्रोन टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए, उसको जनरल फिजिकल एप्लीकेशंस में लाने के लिए बहुत सारे क्लियरेंस की ज़रूरत पड़ती थी इससे पहले। अब गवर्नमेंट सोच रही है कि उसको इम्प्रूव करना है, तो इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे आपको जो प्रोसेस हैं उसको कट डाउन कर दिया गया है, फी कट डाउन कर दिया गया है। सारा कुछ तो मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस करने वाला हूँ, बट कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहली चीज़ कि इससे पहले आपको 25 क्लियरेंस लेने पड़ते थे, जिसके लिए अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते थे। अब कुछ 5 फॉर्म आपको फिलअप करने हैं, सारे क्लियरेंस आपको दे दिए जाएंगे। जो फी लगती थी वो 72 के आसपास थी इससे पहले, अब उसको घटा के 4 कर दिया गया है। पहले आपको परमिशन लेना पड़ता था जैसे मैंने आपको बताया, अब कोई परमिशन नहीं लेना है अगर आप अपने ड्रोन को ग्रीन जोन में फ्लाई कर रहे हो। अब ग्रीन जोन में यहाँ पे हाइट भी मेंशन कर रखा है, अगर ग्रीन जोन है तो आप 120 मीटर तक हाइट तक फ्लाई कर सकते हो। अगर येलो और रेड जोन है, बेसिकली एयरपोर्ट का जोन है या फिर वहाँ पे एयरफोर्स के सेशंस हैं, ऐसे कोई सेंसिटिव एरिया है, कोई आर्मर्ड एरिया है, कोई आर्मी की छावनी है, तो ऐसी एरिया में आप केवल 60 मीटर हाइट तक फ्लाई कर सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेटरल डिस्टेंस की बात करें, अगर एयरपोर्ट आपके आसपास है तो 12 किलोमीटर के एरिया में, 12 किलोमीटर के आउटर एरिया में आप फ्लाई कर सकते हो। उसके अंडर अगर आप फ्लाई करते हो तो आपको परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। पहले जो ड्रोन की साइज थी वो 300 kg तक था, अब इसको बढ़ा के 500 kg तक कर दिया गया है कि भाई इतने तक की ड्रोन आप फ्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सारा चीज़ इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। बाकी 500 से ज़्यादा का है तो फिर पहले वाला जो प्रोसेस है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, कुछ चीज़ें हैं जो पहले थी अब उसको हटा दिया गया है। जैसे पहले आपको ये लेना पड़ता था यूनिक ऑथराइजेशन नंबर, यूनिक प्रोटोटाइप आइडेंटिफिकेशन नंबर, सर्टिफिकेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये एयर वर्थनेस सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें पहले लेनी पड़ती थी, अब इसको कट डाउन कर दिया गया है। तो आप देख रहे हो कि थोड़ा सा चीज़ों को सिंप्लीफाई किया जा रहा है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी पे लोग प्रमोट हों काम करने के लिए, उसका फिजिकल एप्लीकेशंस करें। बाकी जगह पे, बाकी शहरों में बहुत ज़्यादा होता है, हमारे यहाँ बस एक काम होता है, मुझे लगता है कि कोई वीडियोज़ बनाना होता है, शूटिंग हो रही होती है, वहाँ पे हम जनरली यूज़ करते हैं। बाकी इतना कॉम्प्लिकेशन थी कि और किसी काम में हम इसका यूज नहीं कर पा रहे थे, अब हम यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इंडिया हाईएस्ट एल्टीट्यूड हर्बल पार्क हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। कहाँ पे किया गया है इसको? उत्तराखंड। अब हर्बल पार्क से ही पता चल रहा है, किया इसलिए गया है क्योंकि बहुत सारे जो पहाड़ होते हैं हमारे, वहाँ पे बहुत सारे इस टाइप की स्पीसीज होती हैं जिनका हम मेडिकल फील्ड में यूज़ करते हैं, मेडिकल फील्ड में एज ए रॉ मटेरियल या फिर आयुर्वेदिक औषधि आप कह लो, आयुर्वेदिक औषधि में तो हम उसका डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं। तो धीरे धीरे अगर हम उनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो वो लुप्त हो रही थी, तो बेसिकली उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको बनाया गया है। इसको आपको इसलिए भी पढ़ना है क्योंकि ये इंडो चाइना बॉर्डर है, उससे काफ़ी क्लोज बनाया गया है इसको चमोली डिस्ट्रिक्ट में, तो ध्यान रखना डिस्ट्रिक्ट का नाम भी। और आपको पता है कि इंडिया बहुत एफर्ट लगा रहा है कि जो इंडो चाइना बॉर्डर है ना, वहाँ पे डेवलपमेंट का काम हो, क्योंकि चाइना बहुत तेज़ी से वहाँ पे पॉपुलेशन बसा रहा है, घर बना रहा है, बिल्डिंगें बना रहा है, तो इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि इन्वेस्टमेंट मिले, फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिले हमें। इंडिया अपने तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सारी गवर्नमेंट एफर्ट लगा रही है कि जो बॉर्डर है उसको हम डेवलप करें, लोग वहाँ पे रहें। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट पुणे रीनेम्ड एज, किसके नाम पे उसको रीनेम कर दिया गया है? उसको रीनेम कर दिया गया है नीरज चोपड़ा के नाम से। और आजकल तो ये, जैसे कि पहले भी मैंने कहा था, नेशनल क्रश बने हुए हैं, तो इनके बारे में सभी लोग जानते हैं।
और यहाँ पे वो आप फोटो देख सकते हो जहाँ पे पहले इसका नाम था आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट पुणे कैंट, अब इसका नाम बदल के कर दिया गया है नीरज चोपड़ा स्टेडियम आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट पुणे कैंट। और ये बहुत ही फेमस है, जब से ये इंस्टीट्यूट बना है बेसिकली तब से बहुत सारे हमारे देश के जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं ना उन्होंने यहीं पे ट्रेनिंग लिया है। नीरज चोपड़ा की भी स्टार्टिंग की जो ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो यहीं पे हुई थी। बाकी ये जो डाटा है बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है नहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी आप जानना चाहते हो तो देख ही सकते हो कि 34 ओलंपिक्स वाले, 22 गेम्स कॉमनवेल्थ गेम्स वाले, 21 एशियन गेम्स के जो मेडलिस्ट हैं उन्होंने यहाँ पर ट्रेनिंग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज लॉन्च द कॉम्प्रिहेंसिव टैलेंट सर्च कैंपेन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट, तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश एक और अच्छा काम किया है कि मध्य प्रदेश ने जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 थी इसको इम्प्लीमेंट करने की घोषणा कर दिया है आफ्टर कर्नाटका। कर्नाटका पहला ऐसा स्टेट है जो इम्प्लीमेंट करने वाला है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को, और जो मध्य प्रदेश है वो सेकेंड ऐसा स्टेट है। अगर आपको नहीं पता कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है तो लास्ट में मैं वीडियो लिंक कर दूंगा, उसको देख लेना, इससे पहले मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण रिटेन बाई, ये बायोग्राफी किसने लिखा है? तो ऑप्शन फर्स्ट है आपका बिमल प्रसाद एंड सुजाता प्रसाद, ये हिस्टोरियन हैं, इन्होंने एक बायोग्राफी लिखी है जयप्रकाश नारायण के ऊपर, जिनको हम जेपी कहते हैं या फिर इनको कहा जाता है लोकनायक। बिहार से बिलोंग करते हैं ये, और बिहार यूपी के बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता, जब जेपी का आंदोलन हुआ था इमरजेंसी लगाया था इंदिरा गांधी जी ने, आपको पता ही होगा जेपी पहले कांग्रेस पार्टी में ही थे, एक फ्रीडम फाइटर थे, बहुत पटती थी उनकी इंदिरा गांधी जी से, बट जब इमरजेंसी लगी तो जेपी ने सोचा कि हम अब क्या करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। इवन जेपी को भी डिटेन कर दिया गया था इंदिरा गांधी के सरकार में, और उसके बाद इलेक्शन हुआ, इंदिरा गांधी बुरी तरीके से हार गई, जनता पार्टी आई और वहाँ से बहुत सारे नेता निकले। एग्जाम्पल के लिए आपके नीतीश कुमार, लालू यादव, मुलायम यादव, जो भी उधर के नेता हैं सारे जेपी के आंदोलन से ही निकले हुए हैं। तो ये ऑप्शन है आपका। सेकेंड वाला जो ऑप्शन है ये भी इम्पोर्टेंट है, इन्होंने भी एक बुक लिखा है जिसका नाम है मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट। बेसिकली ये जो हमारे नए क्रिकेटर्स हैं उनके लाइफ का शॉर्ट शॉर्ट यहाँ पे स्टोरी है। जैसे हम बात करें तो रोहित शर्मा के बारे में, ऋषभ पंत के बारे में, आर अश्विन के बारे में, ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जिनके छोटी छोटी स्टोरी वहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, ओनम इज द पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट, कहाँ से बिलोंग करता है भाई? ये है केरला से। आप सभी को पता होगा बहुत फेमस है, बहुत बार एग्जाम में आपके पूछा जाता है, ये बेसिकली एनुअल हार्वेस्ट फेस्टिवल है। हार्वेस्ट फेस्टिवल अराउंड टू अराउंड सारे स्टेट्स में मनाए जाते हैं, जब नई फसल उगती है, जब नई फसल कटने वाली होती है उस समय हम जनरली इसको सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे कुछ रिचुअल्स भी हैं, जैसे एक किंग हुआ करते थे महाबली, ऐसा कहा जाता था कि वो गोल्डन एरा था, वो राज करते थे पूरे केरला पे और वो गोल्डन एरा कहा जाता था केरला का, तो उनके याद में भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे ये डेट लिखी गई है, डेट आपको याद नहीं करना है, ये डेट वेरी होती रहती है, जो उनका लोकल कैलेंडर है मलयालम वाला उसके हिसाब से और वहाँ के रिचुअल्स के हिसाब से ये डेट वो फिक्स करते हैं, बट इस साल ये 12 to 23 अगस्त तक मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स, क्या रैंक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया ने यहाँ पे यूएसए को सरप्लस कर दिया है, मतलब यूएसए से आगे निकल गए हम। इससे पहले यूएसए का सेकेंड प्लेस हुआ करता था, हमारा थर्ड, और चाइना को आपको पता ही है मैन्युफैक्चरिंग में सबसे आगे है, तो हमारा सेकेंड हो गया है। और ये इसको रिलीज कौन करता है इस इंडेक्स को, याद रखना, कुशमन एंड वॉकफील्ड नाम की एक यूएस बेस्ड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, मतलब यूएसए का ही है, बट हमको सेकेंड रैंक दे दिया है। अब यूएसए की तो जली होगी, खैर कोई बात नहीं। अब देख लेते हैं कि यहाँ पे ये रेटिंग बनाने के लिए कौन कौन से पैरामीटर, कौन कौन से इंडिकेटर्स को ये ध्यान में रखते हैं। पहली चीज कि क्या कैपेबिलिटी है आपकी मैन्युफैक्चरिंग में कुछ रीस्टार्ट करने की, नई मैन्युफैक्चरिंग करने की। दूसरा, बिजनेस इन्वायरमेंट कैसा है आपके यहाँ पे, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ टैलेंट बात कर लो, लेबर कैसा है आपका, मार्केट का एक्सेस क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या आने वाली है आपके यहाँ पे, और नेक्स्ट जो है रिस्क फैक्टर क्या है, पॉलिटिकल कह लें, इकोनॉमिकल कह लें, इन्वायरमेंट, कि अगर कोई आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करता है ऐसा तो नहीं कि डूब जाएगा, भागना पड़ेगा कुछ दिन बाद। तो अब इंडिया सेफ जोन में जा रहा है, इंडिया ने सेकेंड रैंक हासिल किया है, चाइना ने फर्स्ट किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द
नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन ऑफ नेटवर्थ 6 लाख करोड़ रुपीज। कुछ टाइम पहले ही इस पर मैंने वीडियो बनाया था डिटेल में। तो बेसिकली गवर्नमेंट यहाँ पे जो हमारे एसेट्स हैं उनको मोनेटाइज करेगी लीज पे देके, मतलब जिसको हम सिंपल भाषा में कहते हैं कि जो तो आपके पास एसेट्स हैं उसको गिरवी दे देना, कुछ टाइम बाद हम वापस ले लेंगे मगर कुछ टाइम के लिए रेंट पे दे देना। तो इस तरीके से हमारी बहुत सारी प्रॉपर्टी रेंट पे जाने वाली है प्राइवेट सेक्टर के लिए, वहां से गवर्नमेंट पैसा लेके आएगी और कहाँ पे लगाएगी, NIP में, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में। वहां पे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे डेवलपमेंट के सपोर्ट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अपॉइंटेड एज द कमेटी हेडेड बाय NS विश्वनाथन टू मेक सजेशन ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को किस तरीके से गवर्न किया जाए, क्या स्ट्रक्चर हो उनका, इसके लिए एक कमेटी बनाई थी RBI ने। इसको हेड कर रहे थे NS विश्वनाथन जी ने और यहाँ पे अपनी उन्होंने रिकमेंडेशन क्या क्या दिया है वो थोड़ा सा देख ले। इन्होंने कहा कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है इनको 4 टीयर में डिवाइड कर देना चाहिए। पहले टीयर में जिनके यहाँ डिपॉजिट 100 करोड़ रुपीज का है, दूसरे टीयर में 100 to 1000 करोड़ रुपीज, थर्ड टीयर में रखा जाएगा 1000 to 10000 और 10000 से ऊपर वालों को रखा जाएगा 4 टीयर में। इस तरीके से हम उनको कैटेगराइज करके गवर्न कर सकते हैं। तो आप कमेटी किसने बनाया है और इसके अध्यक्ष कौन है ये आप ध्यान रखना, कमेटी किसके ऊपर बनाया गया है, तो दैट इज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, बैंक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी टॉप इन द रैंक ऑफ सेफ सिटी इंडेक्स 2021 इन इंडिया। इंडिया में टॉप कौन सी सिटी की है, मतलब इंडिया में इंडिया की कौन सी सिटी टॉप की है। बेसिकली ये जो इंडेक्स है सेफ सिटी इंडेक्स, इसमें टॉप नहीं किया, इसमें टॉप तो किया है कॉपहेगन ने, डेनमार्क की जो कैपिटल है। यहाँ पे अगर इंडिया की बात करें तो टॉप किया है दिल्ली ने, दिल्ली की पोजीशन है 48 और मुंबई की पोजीशन है 50। टोटल 60 सिटी की लिस्ट आई है जिसमें दिल्ली को 48 पे रखा गया है, मुंबई को रैंक दिया गया है 50। दिल्ली के नाम एक और अचीवमेंट लगी है कि दिल्ली दुनिया की सबसे ज़्यादा सर्विस लॉन सिटी है जहाँ पे CCTV कैमरे सबसे ज़्यादा हैं। आगे शायद क्वेश्चन भी मैंने डाला है, ओमन इक्वालिटी डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली इन विच ऑफ द डेट, किस डेट पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो सेलिब्रेट किया जाता है 26 अगस्त को। अच्छा 8 मार्च को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड ओमन डे। 9 जनवरी को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस, और नवंबर 19 को सेलिब्रेट किया जाता है मेंस डे। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्ल्ड ओमन डे के बारे में कई बार पूछ लेता है, बट ये है ओमन इक्वलिटी डे, चूंकि अभी हम अगस्त की बात कर रहे हैं, 16 अगस्त को ये सेलिब्रेट किया गया था। अगर ये आपका रिसेंट एग्जाम है तो हो सकता है आपसे पूछ ले। इसके बारे में एक चीज़ और आपको जानना चाहिए, सेलिब्रेशन ये होता क्यों है, क्योंकि इसी दिन 90th अमेंडमेंट हुआ था यूनाइटेड स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो वहाँ की ओमन्स हैं उनको दिया गया था वोटिंग का राइट्स। आपको जान के हैरानी होगी कि इससे पहले उनके पास वोट करने का राइट्स नहीं था, और हम बात कर रहे हैं ओमन इक्वलिटी की। ओमन इक्वलिटी कैसे आएगी भाई, अगर कोई आदमी किसी दूसरे से मांगता है कि आप हमारा राइट्स दे दो, तो राइट्स कभी इक्वलिटी पे हो ही नहीं सकते। जब तक औरतें आदमियों से अपना राइट्स मांगती रहेंगी तब तक वो कभी इक्वल आ ही नहीं सकती, ये सच है हम माने या फिर ना माने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज गोइंग टू रिसीव द साहित्य अकेडमी अवार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2020 फॉर हिज वर्क इन द मलयालम। मलयालम में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, आप कहोगे मलयालम में क्यों पूछा है, मैंने पूछा इसलिए है कि रिसेंटली ये जो था पहले साहित्य अकेडमी अवार्ड, ये मार्च 12 को ही बता दिया गया था, 20 लैंग्वेज में इसको दिया जाता है, बट 4 लैंग्वेज बच गई थी यहाँ पे, एक मलयालम बच गया था, एक उड़ीसा की लैंग्वेज उड़िया बच गई थी, और एक राजस्थान की लैंग्वेज बच गई थी, और एक नेपाली बच गई थी। तो इन चारों को अभी अनाउंसमेंट किया गया है, इसलिए ये न्यूज़ में है तो आपको पढ़ना चाहिए। यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर दिया है, आप एक बार रीड कर लेना। यहाँ पे जो NM पिल्लई साहब हैं, यहाँ पे ये उनकी बुक है जिसके लिए उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया है, तो बुक का नाम भी आप याद कर सकते हो तो याद कर लेना। यशोधरा मिश्रा जी, उड़िया में इन्होंने काम किया है, उनके लिए उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, यहाँ पे उनके बुक का नाम है। SD ढक्कल जी, ये बेसिकली नेपाली लैंग्वेज के लिए इनको दिया गया है, यहाँ पे उनके बुक का नाम है। और राजस्थानी, जैसे मैंने कहा 4 लैंग्वेज का भी अनाउंसमेंट हुआ था, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है ये बुक जिसके लिए इनको राजस्थानी में दिया गया है। तो ये कुछ 4 राइटर हैं, ये उनकी 4 बुक्स हैं जिनका अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट हुआ है 25
अगस्त को, इससे पहले ही अनाउंसमेंट हो चुका था बहुत सारे लैंग्वेज में। जैसे मैंने आपको कहा कि टोटल 20 लैंग्वेज में दिया जाता है। यहाँ पे आपको मैं कटिंग दिखा देता हूँ जो रिसेंटली बताया गया था। यहाँ पे केवल एक का मैं नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ, ऐसे आप पीडीएफ जाके पढ़ सकते हो। पीडीएफ टोटल 32 पेज की पीडीएफ है, बट आपको उतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मार्च में अनाउंस किया गया था बाकी लैंग्वेजेज का, तो यहाँ पे आप ध्यान रख लेना कि आपके स्टेट से जो साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2020 है वो किसको दिया गया है। जैसे आप गुजरात से हो तो ये नाम आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर आप हिंदी भाषी हो तो ये नाम आपको ध्यान रखना चाहिए। उसी तरीके से आप जहाँ से बिलोंग करते हो, जो आप जो लैंग्वेज में आपके यहाँ पे अवार्ड दिया जाता है, ये वो आप ध्यान रख लेना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सुजलम कैंपेन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जल शक्ति ने लॉन्च किया है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए। इस टाइम आपने सुना होगा कि बहुत सारी जो हमारी मिनिस्ट्री हैं वो आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रही हैं, और उस महोत्सव को सेलिब्रेट करने में बहुत सारे इस टाइप के कंपेन लॉन्च किए जा रहे हैं। तो आप मैक्सिमम जितना कंपेन ध्यान में रख सकते हो रख लेना, क्योंकि ये कंपेन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली इस कंपेन का पर्पज क्या है, ओपन डिफेक्शन फ्री, जितना ज़्यादा हम जितने जो हमारे रूरल एरिया हैं, जितने ज़्यादा विलेजेस को हम ओपन डिफेक्शन से फ्री कर पाएँ, मतलब खुले में शौच करने से फ्री कर पाएँ, मतलब शौचालय बना पाएँ, जहाँ पे शौचालय बना है ऑपरेटिंग नहीं है उसको ऑपरेटिंग कर पाएँ, वाटर जो वेस्ट वाटर है उसका ट्रीटमेंट बना पाएँ, सॉलिड एंड लिक्विड वाटर मैनेजमेंट कर पाएँ, ये सारा पर्पज है विलेज एरिया के लिए। किस फेज में इसको लॉन्च किया, आपको पता ही होगा कि स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है हमारा। स्वच्छ भारत मिशन का ये जो फेज है सेकेंड के अंदर इन सभी चीज़ों को लॉन्च किया गया है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ रिपोर्ट बाय द फोर्ब्स को आप लोगों ने सुना ही होगा। जनरली हम इसको इसलिए जानते हैं क्योंकि ये रईसों की लिस्ट निकालती है कि दुनिया में सबसे रईस आदमी कौन है, तो इसलिए फोर्ब्स वाले थोड़े फेमस हैं। बाकी और भी काम करते हैं ये, बाकी और काम के लिए कभी लोग इनको जानते हैं। तो अभी रिसेंटली इन्होंने लिस्ट निकाला है कि सबसे सर्विलांस सिटी कौन सी है दुनिया में, तो वहाँ पे न्यू दिल्ली और चेन्नई को रैंक किया इन्होंने। तो पूछा है आपसे कि न्यू दिल्ली और चेन्नई का रैंक क्या है। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि न्यू दिल्ली का रैंक है फर्स्ट और चेन्नई का रैंक है यहाँ पे थर्ड, बीच में है लंदन, ठीक है, सेकेंड पे है लंदन। तो दुनिया की सबसे ज़्यादा सर्विलांस सिटी है दिल्ली, जहाँ पे हम कैमरों की बात करें तो 1826 कैमरा है पर स्क्वायर माइल। जो सेकेंड नंबर पे सिटी है आपकी लंदन, वहाँ पे 1138 मतलब 1138 कैमरे हैं पर स्क्वायर माइल में। और अगर हम फोर्थ सिटी की बात करें तो फोर्थ है सैन जोहान, जहाँ पे 520 कैमरे हैं पर माइल में, पर स्क्वायर माइल में। मुंबई की बात करें तो इसका रैंक है 18th, जहाँ पे 157 कैमरा हैं पर स्क्वायर। तो आप देख रहे होगे कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा हैं, इवन दो जिसकी सेकेंड रैंक है उसके और इसके बीच में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। उसी तरीके से ड्रास्टिकली चेंज हुआ है थर्ड और फोर्थ वाले में भी, फोर्थ और 18th वाले में तो कोई बात ही ना करें कि कितना चेंज हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट अ पार्ट ऑफ मालाबार एक्सरसाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मालाबार का। चूंकि अभी एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है इसलिए ये न्यूज़ में है, और वैसे न्यूज़ में रहे ना रहे, चूंकि क्वाड नेशन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए, ये क्वाड नेशंस हैं जो बेसिकली हर साल ये नवल एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं। मतलब ऑप्शन यहाँ पे है आपका रशिया इसका पार्ट नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बता दिया ये अभी स्टार्ट हुआ इसलिए न्यूज़ में है, तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। ये सारी नेवी हैं जिन देशों का मैंने नाम लिया, ये बेसिकली पार्टिसिपेट करती हैं और एक दूसरे का जो एक्सपर्टीज है वो एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं ताकि खुद को वो इम्प्रूव कर पाएं। और जो लास्ट आपका 20th नंबर का क्वेश्चन है, ये है आपके लिए होमवर्क। ये क्वेश्चन UPSC में अभी रिसेंटली पेपर में पूछा गया था, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या है। तो चलिए, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को अलविदा।